कौन कह रहा? लोग कह रहे हैं। लोग कौन है वे? लोग जनता। जनता नहीं है वे पता कौन लोग है? वे भाजपा की आईटी सेल है और उन्हें तो दुष्प्रचार करना उस काम कर रहे हैं। कौन कह रहा शामिल हो रहा? अरे जो भाजपा में शामिल हो रहे होते तो वहाँ दंगे करवा देते जाकर, वहाँ समझावे नहीं थे जाकर सुलटवा देते उस मामले को। अगर वो जाकर वहाँ मामला सुलटा है तो वो भाजपा से अलग हो गए सुलटा, क्योंकि भाजपा तो चाह रही थी अगर वहाँ झगड़े हो जा, दंगे हो जा और आंदोलन खत्म हो जाए। अगर वहाँ दंगा हो गया होता तो आज आयु आंदोलन नहीं मिला था। दंगा कहाँ, लोग कह रहे सलाहकार बन गए योगी जी के टिकट जी। लोग अरे वे उसके आईटी सेल वाले आदमी है, वे दुष्प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों को जो चुनाव का टाइम है बेचारे को दुष्प्रचार करके टिकेट साहब को उधर का बता दो कहला भाजपा का। अरे समझने का प्रयास करो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है समझो इस बात को। अगर वहाँ टिकेट साहब ना जाते रात को और वहाँ से अगले दिन फैसला ना होता तो वहाँ माहौल क्या होता? वहाँ झगड़े होते, वहाँ दंगे होते और वहाँ दंगे होते किसके होते? किसानों के। किसानों का नाम आता ना, और जब किसानों का नाम आता तो किसानों का नाम आने के साथ ही क्या होता, यहाँ का आंदोलन भी खत्म था और वहाँ का आंदोलन भी खत्म था। सिंधु बॉर्डर सारे बॉर्डर खाली करवाते दो मिनट में, क्योंकि इनका तो रात दिन यही षड्यंत्र रहता है कि किसी प्रकार से इन्हें एक छोटा सा क्लू मिल जाए और ये आंदोलन को दफन कर दें। वो उनका काम है करने का भाई, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए थोड़ा ही है, वो उनका काम है, वे किसी तरीके से करो। लेकिन जहाँ हम रैली कर रहे, जो काम हम कर रहे उस चीज़ पे ध्यान दो ना। पार्टी का तो काम है, वे तो टूट पकड़ा मांगे ना किसी चीज़ को, वे तो किसी ना किसी चीज़ को देंगे, उस चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब हमें अपने से है, हमारा आंदोलन कैसा चल रहा, हमारी जो सभाएँ हो रही या जहाँ जहाँ हमारी पंचायत हो रही वो कैसी हो रही, 26 तारीख को हमारी पंचायत कैसी होगी, वे चीज़ें महत्व रखती है, हमारे लिए किसी पार्टी की वो महत्व नहीं। अरे विपक्ष, अरे विपक्ष, विपक्ष एक बात बताओ ना, हमें क्यों ना रखा हिरासत में? हमने गए उस दिन रात को, एक आदमी पूरी रात एसी में सो करके सुबह जाएगा और फिर नु कहेगा क्या मुझे हिरासत में आना, हिरासत में आ गया। बीजेपी की सेटिंग है, बीजेपी की सेटिंग नहीं है। अरे रात को हम बैरिकेड तोड़ तोड़ कर गए, हमें तो पता अकबर सेटिंग है नहीं है। सेटिंग होती तो मासिक दंगे होते, अब तक तो आंदोलन खत्म हो गया होता। चढ़ूनी जी को मेरठ में गिरफ्तार किया गया, 5 घंटे तक तुम्हें पता भी नहीं चला, चढ़ूनी जी गिरफ्तार। हमें पता कहाँ से चलता, जब वहाँ नेट इंटरनेट सब बंद थे, फोन तो मिल नहीं रहे थे हमारे पास, ठीक है। और चढ़ूनी जी को पकड़ना था तो नहीं तो पकड़ा गया, क्यों पकड़ा? फोटो लेकर घूम रहे, दूसरे आदमी उठाओ फिर रहे थे, उन्हें पता था क्या लगा वहाँ पहुँचेंगे। ये बात वो नहीं थी, बात वो थी मुद्दे को दाबा जाए, जब नेट इंटरनेट बंद हो गया वहाँ खबर नहीं लगी, हमें तो ये पता चढ़ूनी जी आ लग रहे और इंतजार करते, चढ़ूनी जी पहुँचे नहीं वहाँ तक, पहुँचे तो फिर भी तो पहुँचे। सेटिंग तो होगी ना टिकट भाई, एक बात है फर्क एक चीज का है, सेटिंग की बात नहीं है। जब यहाँ से टिकट साहब निकले मैं साथ था, जहाँ जहाँ हमारे टोल टैक्स थे टोल नाक के थे, जहाँ जहाँ इन लोगों ने रास्ता बंद कर रखा, सारे क्षेत्र का किसान पूरी रात सोया नहीं, सारे वहाँ जाकर के पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के पहले तैयार हो गए, डिवाइडर जो उन्होंने बैरियर लगाए थे वे तोड़ करके आगे निकले। खतरा क्यों देखा जा रहा है? किसान नेता जब जाते हैं तो इनको इनके जाने से क्या खतरा हो सकता है, खतरा क्यों देखा जा रहा है? खतरा कहाँ था? खतरा तो वही, गिरफ्तार हो रहे हैं, निगाह रखी जा रही है। मेन चीज, मेन मुद्दा इनका क्या है, अगर वहाँ जब किसान नेता जाते हैं तो इनकी सच्चाइयाँ खुद के बाहर आ जाती है, और जब इनकी बात का लोगों को पता चलता है, जानकारी का पता लग जाता है, तो इन्हें लगता है कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये अपना नाश बचाने के चक्कर में जो ये नेता है नेताओं को रोकने का प्रयास करते हैं। साक्षी महाराज ने राकेश टिकैत जी को डकैत का नाम दे दिया। हाँ, साक्षी महाराज खुद ही डकैत है, उसका भाई जेल में पड़ा, बलात्कारी है, बलात्कार का मुकदमा चल रहा है उसके भाई के ऊपर, मर्डर का मुकदमा चल रहा, वही साक्षी महाराज आ गया। मैं बता लग रहा डकैत डकैत, उसका बड़ा डकैत कौन होगा? साधु संतों का काम क्या है मठ में बैठने का? और साधु संत क्या काम कर रहे? राजनीति कर रहे, जिसका तुम नाम ले रहे वो भी तो नेता ही है, सांसद है, योगी जी क्या है? अरे भाई साधु संतों का काम है त्याग करके भीख मांग कर खाने का, ना कि सत्ता का लालच करने का। ये सत्ता के लालच में बैठे, त्याग करके तो सत्ता, त्याग करके सत्ता का मतलब क्या है? सत्ता क्या हुई? सत्ता का क्या मतलब? मोह माया को त्याग देता है आदमी, किस चीज की मोह माया? परिवार को त्याग दिया, देश हित में त्याग दिया, साधु बनने के लिए परिवार को त्यागा था। और जिस जो आदमी पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, जिनका तो नाम ले लग रहा सभा पता था हमारे बच्चे कपूत है, उन्होंने पहले घर से निकाल देता, वे जाकर साधु संत बन गए थे। एक मोदी जी कदी इतनी दाढ़ी राख ला, कदी इतनी दाढ़ी राख ला, कदी इतनी दाढ़ी राख ला, भगत भी परेशान हो रहे, बहरूपिया है बहरूपिया। लेकिन आप तो ग्वालियर जी अब अरेस्ट भी हो गई, मंत्री के जो लड़के आशीष मिश्रा के, तो आप तो सवाल उठा रहे थे योगी जी ने काम नहीं कर रहे, अरेस्ट नहीं कर, कहीं मैं काम करा? योगी जी ने करवाया अरेस्ट उसको? योगी जी ने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। और वो भी कल सुबह पता था, कल सुबह से भाजपा के प्रवक्ता को परसों से पता था, क्या लगा कल दिन में अरेस्ट हो जाएगा? भाजपा के प्रवक्ता के घर में बैठा था क्या वो?
जितने प्रवक्ता सारे बता रहे आज से कल हो जाएगा, तो इसका मतलब उनका घर में बैठा हुआ था। कल्याण साहब जो टीम है, एसआईटी टीम है, वो अभी तक संतुष्ट नहीं है भाई सर, होने के बाद भी। हम क्या कह रहे, सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज यह है, जब तो उसे पेश करा गया, जब सबूत खत्म कर दिए गए, सबूत खत्म करने का प्रयास किया, अब फिर आगे से क्या है, अब दोबारा फिर अब क्या है कि जो मंत्री है उसका इस्तीफा नहीं दुआ रहे, क्योंकि वो पावर में है। जब तक पुलिस को फ्री होल्ड नहीं मिलेगा, बेटे ने गलती की तो मंत्री जी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? दो दिन पहले पप्पू ने तो बनाया था प्लान, किसने प्लान बनाया? दो दिन पहले उसका पप्पू तो कह रहा था कि मैं इन किसानों को खत्म कर दूंगा, कुचल दूंगा दो मिनट में। किसान का नाम नहीं लिया, पोस्टर फाड़ा, पोस्टर तो मोदी जी के फटे, मोदी जी क्यों ना कहते हैं, अरे 750 ज्यादा किसानों से ज्यादा चले गई, एक दिन भी मोदी जी की आंख नम हुई क्या, एक दिन भी परेशान हुए मोदी जी? किसानों की कहां करते हैं, कौन से किसान की बात करते हैं, कौन से किसान की बात करते हैं, पता नहीं कौन है टीवी देखो, छोटे किसानों की पता नहीं तुम कौन है टीवी, हम कौन सा बड़े 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 किसान है, हम भी तो छोटे किसान है, किसान बैठे वो बड़े किसान तो है, कौन है बड़ा किसान, कौन से का दौरा देख ली तुमने, 1000 बीघे जमीन किसके पास देख ली, खेती करते हैं असली, तो अम्मी तो खेती कर रहे हैं, हमारा बापू हमारा भाई सारे आदमी वहाँ खेती कर रहे हैं, एक एक आदमी छोड़ रखा है अपना यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है राकेश, तो मार लो ना छप्पा, जेल भेज दो ना, सोनू सूद पे नहीं मारा छप्पा, मार लो छप्पा, क्यों ना मारा, अगर ऐसे होते ना, अगर दो नंबर का पैसा होता अब तक जेल की सलाखों के पीछे होते। वही राकेश बालियान साहब, सुबह से मीडिया में आज खबर चल रही है ये कि जो किसानों का ऐलान है उससे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। हाँ, व्यवस्था की बात नहीं है, सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी, सरकार की सत्ता चली जाएगी, इसकी गद्दी चली जाएगी, सबसे बड़ा डर ही, सबसे ज्यादा प्रकोप यू है इन लोगों को। ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ में कोई जरूरत क्या थी किसानों को जो ऐलान कर रहे हैं वहाँ, मुजफ्फरनगर में क्या जरूरत थी हमें, अरे अपनी आवाज तो उठावेंगे, भगत सिंह कह के गया था बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, ये तो अपनी आवाज सुना दे, बम विस्फोट करा के भाजपा वाले दंगे करवा के, किसान तो शांतिपूर्ण रैली करते हैं, और मुजफ्फरनगर के अंदर का कितनी शांतिपूर्ण रैली हुई, कितने आदमी था, मोदी के जीवन भर रैली में इतना आदमी नहीं हुआ जितना आदमी मुजफ्फरनगर के अंदर था, और ऐसे लखनऊ के अंदर होगा, अगर कोई भी प्रशासन की चूक हुई या सरकार ने कोई भी घटिया षड्यंत्र रचा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, तो क्योंकि क्योंकि ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण करा, ये लोग अपने लोग प्लांट करते हैं बीच में, ये लोग माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी भूल होगी अगर 26 तारीख को नजर सी भी हरकत करी, सरकार से है लेकिन आप रेल रोक रहे हो, जनता को परेशान करोगे। हाँ रेल प्राइवेट होगी ना, अडानी अंबानी की होगी इसलिए रोक रहे हैं, परेशान तो जनता होगी, जनता परेशान होगी, जनता परेशान, हमने परेशान है यहाँ, अगर रेल रोकने से परेशान हो, जब बता दिया 15 तारीख को हम रेल रोकेंगे, मत जाओ, और जिसे परेशानी होना तो हम क्या कर सके भाई, लेकिन आप तो उन्होंने सारा आपका जो प्रॉमिस किया था वादा किया था पूरा कर रहे हो, कौन सा वादा कहाँ कर लिया, उसके पापा को हटवाओ ना, इस्तीफा दिलवाओ उसके पापा से, उसके पापा का इस्तीफा दिलवाओ, उसके उसको जेल भेज जाओ, उस मंत्री को जेल भेज दो ना, कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई तो छोटा छोटा करके अपने अपने ऊपर कलंक हटाने के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अरेस्ट क्यों नहीं है, जब 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है तो वो क्यों नहीं है, कहाँ काम कर रहे, तुम्हें तो काम दिख रहा, हमें तो दिख नहीं रहा कहीं भी, तुम भाजपा में चले जाओ ना, वहीं जाकर बात करो ना, उनका काम गिनवाओ ना, कल अपने चैनल पे दिखाओ ना, तुम गिनवाते तो है, अरे अपने चैनल पे दिखाओ ना कितने काम करवा रहे, कैसे मैं दिखाओ ना, लाकर रिकॉर्ड करके लाओ ना, दादरी में गई थी ना उस दिन, इतने इतने किचड़ में पता लग गया था ना बारिश में, मुझसे मत करो इस बारे में बात, मैं कह रहा इनकी क्लास टीचर मत बना करो तुम भाजपा वालों की, हम समझा रहे, हाँ दिख तो रहा, देश को बर्बाद कर दिया, गड्ढे में घेर दिया, नरक में घेर दिया, बिल्कुल तो कह रहे आ रहे, इनका देख तो लो, इनकी सोच तो देख लो, उनके तो किसान मरे पड़े, ये वहाँ जाकर जश्न मनाने जा रहे लखनऊ के अंदर, कितनी शर्म की बात है, जरूरी है ना, हाँ वो जरूरी है, तो हर काम है, जिस घर में मौत हो जाती है उस घर के अंदर सारे फंक्शन खत्म कर दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना तो बनता मैं ये कह रहा, जिस घर के अंदर मौत हो जाए, पड़ोस में भी मौत हो जाए, अगर गांव में एक मौत होगी पूरे गांव के टेलीविजन बंद हो जाते हैं, सारी शोक सभाएं होनी शुरू हो जाती है, हर घर में दुख होता है, और इतने लोग किसानों के ऊपर बेदर्दी से गाड़ी चढ़ा दी, चींटी की तरह कुचल दिया, उस आदमी के एक माड़ी सी भी जूम नहीं रहेंगी, एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोलना, खट्टर जी की बात की जाए, खट्टर, अरे ये खच्चर है मेरा सूचना, इस खच्चर ने क्या काम करा देख तो लिया होगा, ये खच्चर नु कह रहा क्या लगा, ठालो लाठी डंडे जैसे को तैसा, अपने बनाओ संगठन, आरएसएस का संगठन बना लो, मिलो, अरे ये अमित शाह छोड़, मोदी तो मिलो, किसी तो मिलो, हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे संविधान के दायरे में बैठे, ये हमेशा माहौल खराब करने का प्रयत्न करते हैं, माहौल खराब नहीं होने का, करवा लो ना, जब करवाएंगे, हमने कौन सा इनका रास्ते बंद कर रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ते खोल दो और हमें भी ले आओ ना, उसमें रास्ते तो आपकी सेफ्टी के लिए बंद किए गए ना, हाईवे या तेज गाड़ियां नहीं चलेंगी, कहाँ से चलेगी, खोल लो ना, अरे हम भी तक के चलेंगे, हमको हाईवे तो चलने के लिए आए ना,
तो हम भी चलेंगे रास्ते बंद करने के लिए थोड़े ही हैं। दिल्ली में ना चले जाएं। क्यों, दिल्ली किसकी है? घुस जाएंगे ना दिल्ली। दिल्ली किसकी है? किसकी जमीन पर बस रही दिल्ली? 26 जनवरी को गए नहीं थे? दिल्ली किसकी जमीन पर बस रही है, मुझे ये बताओ ना। अरे 26 जनवरी को गए थे, भाजपा का तो आदमी था वो। सरकार ने बैरिकेडिंग लगाई है। सरकार ने बैरिकेडिंग लगाई, भाजपा का प्री प्लान था वो। उसके साथ देखो, नोट करो इस चीज को। पहले क्या करा, 26 जनवरी के लिए दो बड़े इंतजाम करे गए थे। एक इंतजाम तो था जोन सा हो गया, जोन सा उन्होंने वो वहाँ से झंडा लहराया, झंडा भी नीचे था बल्कि, मीडिया ने दिखाया वो। भाई एक बात बताओ, जो सिख समाज वाले आदमी है, जब युद्ध जीते, कारगिल का युद्ध जीते, तिरंगे के साथ में अपना झंडा लगावे, जब तो कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ लगा दिया, यहाँ इन्होंने मीडिया को दिखाया, लेकिन वो ब्लास्ट करा। वो आदमी किसका था? भाजपा का था। उसके बाद का षड्यंत्र देखो, इन्होंने बम भी मंगा रखा था, बम फटना था दिल्ली के अंदर, लेकिन वो दो दिन बाद जाकर फटा गाड़ी में। नो पता आ गया था, मैं पता, दो दिन बाद बम फटा था दिल्ली में गाड़ी में, पता याद है ना। वो भी लाया गया था, वो वहीं फटता लाल किले पे, अगर वो झंडा ना चढ़ता वहाँ से। किसान तो तीन दिन की आप लोग बात करने आए थे, आज आप पूरे देश के मुद्दों पर फंस गए हैं। हम फंस कहाँ रहे हैं? अरे मुद्दे हैं, हम तो हर गरीब की, हर कुछ लेगी, हर आदमी की, हम तो हर आदमी की आवाज उठाएंगे। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही भाई? सरकार को क्यों परेशानी? हमारे मुद्दे तो वही है, हम उस बेरोजगार के लिए रोजगार क्यों ना मांगे जो बेरोजगार घूम रहा, वो किसका बच्चा है? कानूनी के लिए आंदोलन हो रहा था, आंदोलन हो रहा है बात तो भाई, सरकार का प्रचार भी तो करेंगे, प्रचार भी तो होना चाहिए सरकार का। या सरकार का प्रचार नहीं होना, सरकार का प्रचार बताओगे भाई? इसने इतने लोग बेरोजगार कर दिए, इतने रोजगार देने का वादा करा था, इतने पैसे गन्ने का भाव देने का वादा करा था, कहाँ दे रही, किसको दे दी रोजगार? अरे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 2 करोड़ रोजगार ले लिए, घरों की चाबी दे दी लोगों को, घरों की चाबी, जैसी घरों की चाबी जाकर के देख लो ना, जिनका घर दे रखे पहले तो वो दे रहे होंगे। हाँ, गए किसी के घर पे अब तक जाके देखा? चाबी दी है, खुद दिखाई। अरे चाबी दे रखी, फोटो भी रीत हो रहे हैं। जिन्हें मकान दिए, जिनके मकान बनने थे, गरीब आदमी क्या पहले से नहीं बनते? अरे क्या पहले सरकार ने मकान नहीं बनवाया, इन्होंने अलग बनवा दिया क्या? अब शौचालय में जाके इलाज करवा लेंगे क्या? जो चीज चाहती है, अस्पताल चाहते हैं, अस्पताल इन्होंने बनवाए नहीं, लाशें गंगा में बहती हुई घूम रही यहाँ से। किसके? राम मंदिर का क्या करोगे बताओ? चाटो का क्या? किसने दिया था? जिन्होंने दिया था उन्होंने राम मंदिर मुबारक। हमें तो हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये चीज चाह, हमें तो वो चीज़ दो ना जो चाहिए। राम मंदिर में तुम गए आज तक? गए? मैं गया था 5 तारीख को, मोदी जी गए 6 तारीख को, मैं गया जाके देखा क्या हालत है उस क्षेत्र की, मैंने जाके देखी। अगर राम मंदिर के अंदर जो पैसा आएगा वो पैसा कहाँ जाएगा? देश निर्माण में क्यों लगाते? जितने ये साधु संत मंट में बैठे पैसा ले दुनिया भर का, एक बार भी दिया देश सेवा में? सारी चीज भी कर लग रही देश की। पता नहीं तुम्हें वहाँ से क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ से उनका भोग है, भोग जाने बाद आदमी वहाँ जाएंगे। अभी उसका बाप अरेस्ट नहीं हुआ, उसके बाप को अरेस्ट करवाएंगे, वहाँ जा करके प्रचार प्रसार करेंगे इनका, बढ़िया सरकार का। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? इस्तीफा भी होगा, जीवित अरेस्ट होगा, अरेस्ट भी होगा। अरेस्ट की तो बात ही नहीं, अरेस्ट भी होगा, कौन का नहीं होगा, जेल जाने की बात है। सुनी थी टिकैत जी ने जब समझा? अरे मैं वहाँ खड़ा था जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कैसी बात कह रही तू? सुनती नहीं फिर टीवी को, अपने चैनल को देखने में लगे रहो, अपने को देखा करो ना। जब इस्तीफा देगा जीवित अरेस्ट होगा। और नेता भाई, नेता हो या आम जनता हो, सभी के लिए संविधान बराबर है।